भोपाल से एक लव जिहाद का नया मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित लड़की की मां ने एक वीडियो शेयर कर अपनी आपबीती सुनाई। देश भर में लव जिहाद की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी जहां बीते दिनों हरियाणा के फरीदाबाद से लव जिहाद का एक हत्याकांड सामने आया था, जहां एक हिंदू लड़की ने जब धर्मांतरण से मना कर दिया था तो युवक ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, तो वहीं अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लव जिहाद का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पीड़ित लड़की की मां रो रोकर अपनी बेटी के साथ हुई हैवानियत को बयां कर रही है। का क्या नाम है? प्राची मेहरा। कब से गायब है घर से? कल 7:30 बजे से। तो आप थाने में रिपोर्ट लिखवाने नहीं गई? मैं थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई थी, फिर? वहां पर मुझे बोला गया कि तुम्हारी लड़की खुद अपनी मर्जी से गई है। मैंने कही नहीं सर, वो मर्जी से ऐसे नहीं जा सकती हैगी। उस लड़के की 5 मिनट पहले बात हुई थी उसी लड़के से। क्या नाम है लड़के का? लड़के का अफजल खान नाम है। तो फिर थाने में कैसा व्यवहार किया आपके साथ? थाने में मुझे आधे घंटा बिठाया गया, और जो यूसुफ खान है उनने मेरे हस्बैंड से भी गलत बोला। बोले तू क्यों खड़ा है यहाँ, तू बाहर जा। बोले तू लिखवा रही रिपोर्ट? तो मेरे पति का नाम पूछा रामनाथ मेहरा, फिर मेरा पूछा शर्मिला मेहरा, फिर मैंने बोला प्राची मेहरा। तो बोलता है कि प्राची मेहरा नहीं, सिर्फ प्राची लिखो, खान चालू कर दो लगाना। तो मैंने कही सर ऐसा क्यों बोल रहा है, भगवान करे हमारी लड़की जल्दी मिल जाए। बस उससे इतनी बात हुई, फिर दूसरा पुलिस वाला घर आता है, ये बोलता है कि अरे वो तो उड़ गई, छोड़ो उसको, कहाँ गई, भूल जाओ। तो फिर आपकी FIR हुई अभी? FIR नहीं, सर उनने सिर्फ गुमशुदा लिखी है। और वो लड़का फिर थाने में आता है और उससे पूरा बात उल्टी सीधी बोलता है, और उसकी हर बात सुनी जाती है। मैं जो रिपोर्ट लिखवा रही थी उस लड़के की नाम की, कि मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि यही लड़का मुसलमान अफजल नाम का लड़का, यही मेरी लड़की को अकबर लेके गया, ना कि वो भाग के गई है इसके साथ। मेरा ये कहना है और पूरा 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 यही कहना है, और मेरी लड़की इसके साथ बिल्कुल नहीं गई है भैया। इससे पहले उस लड़के की हर बात सुनी, उस लड़के ने मेरी लड़की पे आरोप लगाया कि मैं तुम्हारी लड़की मुझसे कहती है कि मैं मर जाऊंगी, मुझसे शादी कर लो, ऐसा वैसा। और उसने ऐसी बात कभी नहीं की है, उसकी हर बात सुनी जाती है सिर्फ कहने के अनुसार। और मेरे कहने के अनुसार थाने में मेरी कोई बात नहीं सुनी जाती है। मेरी लड़की मुझे वापस चाहिए, नहीं तो मैं आग लगा दूंगी पूरी मुसलमान जाति में थाने में। ठीक, अभी आप क्या चाहती हैं? मेरी लड़की मिल जाए, और मैं इस लड़के से ही मेरी लड़की चाहती हूँ, मेरी लड़की इसी के पास है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। बता दें, इस वीडियो में जो महिला रो रही है वह भोपाल के गीता नगर इलाके की रहने वाली है, जिसका कहना है कि एक अफजल खान नाम के मुस्लिम युवक ने उनकी बेटी प्राची मेहरा का अपहरण कर लिया है, जो कि उसका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। इतना ही नहीं, महिला ने वीडियो में यह भी बताया कि जब वह पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई, तब पुलिस वालों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, और एक यूसुफ खान नाम के कांस्टेबल ने उसे कहा कि अब अपनी बेटी का नाम प्राची मेहरा की जगह प्राची खान कहकर बुलाना शुरू कर दो। और जब उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो पुलिस वालों ने उनसे कहा कि तुम्हारी बेटी खुद ही भाग गई होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस उनके साथ काफ़ी अभद्रता से पेश आई। इतना ही नहीं, महिला का कहना है कि उनकी FIR में अपहरण की जगह गुमशुदगी लिखा गया, और वह लड़का अफजल खान अपने पिता के साथ थाने में आकर महिला और उसके पति के साथ काफ़ी बदतमीजी करता है। साथ ही महिला ने पुलिस पर आरोप भी लगाया है कि पुलिस ने उसकी एक भी नहीं सुनी, बल्कि उस लड़के के साथ बहुत अदब से पेश आई। महिला ने सरकार से गुहार लगाई है कि उसे उसकी लड़की सही सलामत दिलवा दे, वरना वह कोई आत्मघाती कदम उठा लेगी। ऐसे में इस मामले के प्रकाश में आते ही सोशल मीडिया पर प्राची मेहरा को इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि कब तक हिंदू बेटियां लव जिहाद का शिकार होती रहेंगी, आज प्राची उससे पहले निकिता। आखिर सरकार के पास क्या उपाय है जिससे इन लड़कियों के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके।